डिटेल्स हर पुलिस स्टेशन पे अलग अलग है, तो उसका एक पुलिस स्टेशन में दो मशीन एक रिजर्व रहेगी, कहीं वो खराब हो जाती है और स्ट्रॉन्ग रूम में जाएगी और वो सीधे फिर 7 तारीख को स्ट्रॉन्ग रूम से निकलेगी। जब यहाँ से स्ट्रॉन्ग रूम में जाएंगी तब भी अगर ईवीएम प्रिपरेशन के दौरान जब हम उसमें फाइनली ईवीएम हम प्रिपेयर करेंगे, अभी तो हमारी ईवीएम सेलेक्ट होगी, ये ईवीएम जो है वो वार्ड नंबर 1 पे जाएगी, लेकिन उसको ईवीएम को उसके बाद प्रिपेयर भी करना है। प्रिपेयर करने का मतलब है कि उस ईवीएम का अगर कोई पुराना डाटा अगर है तो उसको क्लियर करना है, उसमें फिर वो आपका वैलिड पेपर लगाना है कि नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, बचे हुए फ्लैप जो है उसको बंद करना है, फिर उसको सील करना है। ईवीएम प्रिपरेशन की जो हमारी कार्रवाई है ये कल होगी और उसमें भी आप सब लोग अगर आना चाहते हैं या फिर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना भेजना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, उस समय भी वो आपके सामने होगी। अपना एजेंट जो है वो आप 6 बजे भेज देना है, क्योंकि हमने वो 6 बजे मॉक कॉल कर उसका जो है डाटा क्लियर करना होता है और उसको जो भी टाइम लगता है, अगर आपका एजेंट लेट आएगा तो उसकी जो है अब्सेंस पे अगर वो होती है फिर आप हमें क्वेश्चन ना करें, क्योंकि उसमें है कि अगर कितने टाइम तक अगर आपका एजेंट नहीं आता है तो फिर उसकी अब्सेंस भी की जा सकती है, हमें उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट या फिर ऑब्जर्वर जो है उसका उसकी प्रेजेंस में फिर वो कर सकते हैं। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका एजेंट वहाँ पे 7 बजे पहुंच जाए। मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं और वी आर होपफुल कि जो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो इसी तरीके से थाई। सर मैं गुजारिश करूंगा जी उसको जो है मैं कोशिश करूंगा एड्रेस करने की, लेकिन इसमें हमारी भी जो है कुछ मजबूरियां हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन की इतनी सारी गाइडलाइंस हैं आज की डेट में कि वो हर जगह पूरी करना थोड़ी हमारे लिए उनकी होगी। वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में कल हम फिर आएंगे जो है अवेयरनेस के लिए, अगर वहाँ पे कोई आपके 2 कर्मचारी अगर लोगों में या जो नए वोटर्स आए हैं उनको अवेयरनेस के लिए ठीक है चलेगा। ये आपका एक अच्छा